अब खबरें विस्तार से। गुरु नानक जयंती के मौके पर गुरुवार को सिख समुदाय के लोगों ने भव्य नगर कीर्तन निकाला। नगर कीर्तन में कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। एकता, भाईचारा, समरसता, बड़ों को इज्जत, छोटों को प्यार और जाति भेदभाव, ऊंच नीच, क्या एक मनुष्य का जो एक होना चाहिए, जो आचरण होना चाहिए, वो अगर गुरु नानक देव जी के बताए हुए उपदेशों का हम थोड़ा सा भी आत्मसात करें तो मैं समझता हूँ वो यह जो जीवन है यह सुनेगा। गुरु नानक जयंती के मौके पर सोनारी गुरुद्वारा में भव्य लंगर का किया गया। हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी जिनका 546 प्रकाश दिवस आज हम मना रहे हैं। जमशेदपुर के समूह संघ बड़े धूमधाम से मना रही, जिसमें सोनारी गुरुद्वारा भी मनाने में खुला हुआ है और इस उपलक्ष्य में यहाँ पर 8 अखंड पाठ हुए, प्रभात फेरियां निकाली गई। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो कि सबका मिलाकर चल सके और जिसमें कैपेबिलिटी हो। ये नहीं कि खाली अंगूठा छाप कैंडिडेट हो, किसी खास पार्टी का उसको हम वोट दे दें। कैपेबिलिटी होना चाहिए उसकी, बाहरी होना चाहिए। बाहरी कैंडिडेट है तो हमारी समस्या से उतना वाकिफ नहीं होगा। यदि हमारे कैंडिडेट लोकल है तो हमारी समस्या को जानेगा, उसका निदान कर सके। हम जो भी कर रहे हैं जितना करना चाहिए। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी उपेंद्र सिकर शहर पहुंचे। झामुमो कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत से उपेंद्र सिंह गदगद नजर आए। यहाँ के लोगों को आकांक्षा करते हुए पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार घोषणा है और मैं यहाँ के सारे लोगों को, सारे धर्म, सारे जाति के लोगों का सम्मान करूँगा और सम्मान के साथ उनके जीवन के लिए जेएमएम का झंडा थाम कर उसके नियमों के मुताबिक का कल्याण करूँगा, सारे का विचार को रखूँगा। यही मेरा
मुद्दा को लेकर जनता के बीच में जाएंगे आप? ये हम अपने वैसे मुद्दा जो झारखंड में ये जो सारे जो शहर में बस रहे हैं उनके लिए जो दुखदाई है, जो मुद्दा नौकरी का मुद्दा, बिजली है बिजली का मुद्दा, शिक्षा मुद्दा। उपेंद्र सिंह शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल पर गए स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो से भी मुलाकात की। 7 नवंबर से नामांकन की प्रारंभ हो जाएगी। प्रक्रिया को स्मूथ बनाने के लिए गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी आरओ के साथ बैठक की। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने ओएन दस्ता टीम का गठन किया है जो पैसों लेन देन और हॉर्स ट्रेडिंग पर नजर रखेगी। गठित टीम के सदस्यों के साथ भी उन्होंने की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। आप लोग की फ्लाइंग स्क्वाड है, ब्रीफिंग है जिसकी जानकारी दे दी। आप लोग के साथ बैठक में ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो इनकन्वीनियंस क्लियर हो गया सर। आज ब्रीफिंग सेशन रखा गया था एक फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम का, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कल लेटेस्ट मिले थे, कल स्टेट लेवल हम लोगों को ट्रेनिंग मिली है कमीशन के डायरेक्टर जनरल के द्वारा दी गई ट्रेनिंग। वो जो इंस्ट्रक्शंस मिले वही इंस्ट्रक्शंस हम लोग ने पास ऑन किए हैं फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम के ऑफिशियल्स को, जिससे जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर